वाह वाह, इस्तेमाही वाला ही पीसीआर से भाई। आज अजीज मोहतरम सलाम दुआ के बाद मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन कब पाने वाला उसी से है इस्लाम का बोलबाला, वो नबियों में रहमत लकब ठंडक को कहते हैं। अरबी में रहमत के 850 माने हैं। कितने? 850 माने हैं रहमत, 850। रहमत कहते हैं दरगुजर करने को, रहमत कहते हैं बरकत को, रहमत कहते हैं माफ़ कर देने को, रहमत कहते हैं ठंडक को, रहमत कहते हैं साए को, रहमत कहते हैं राय को, राय भी रहमत होती है, रहमत कहते हैं एक ऐसी हस्ती को या एक ऐसे मरकज को या एक ऐसे किसी भी वजूद को कि जिससे मफाद पहुँचता हो, फ़ायदा पहुँचता हो। रहमत कहते हैं जो कभी किसी को तकलीफ़ ना दे, कभी किसी को दुख ना दे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दरगुजर किया, आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया, आपने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, आपने लोगों के पत्थर तो खाए लेकिन पलट कर पत्थर नहीं मारा। बेशक आपकी पोशाकें मुबारक लहू से तर बतर हो गई और आपके पापोशे मुबारक। बेशक एक होती है पोशाक मुबारक, एक होती है पापोशे मुबारक। आपकी पापोशे मुबारक, आपकी पापोशे मुबारक जो है वो खून से भर गई, खून से भर के रसूल का जिक्र हो रहा है। आपकी पापोशे मुबारक लहू से भर गई लेकिन उसके बावजूद आपने जो पत्थर मारने वाले थे उनको दुआएं थी। और पता आप पासी शाह साहब कौन सी दुआएं थी? पता ताइफ में आपको पत्थर मारे गए मोहम्मद कासम के हवाले से। जी मोहम्मद कासम उसी के बीवी से फिर थे। नहीं नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ताइफ में पत्थर मारे गए। सकीफ कबीले की बात कर रहे हैं आप, मैं सकीफ कबीले की बात नहीं कर रहा। ताइफ में पत्थर मारे गए, जब पत्थर मारे गए तो बेटा एक तो आवाज़ उनकी तेज़ कर दे, आवाज़ की वास शाह साहब की। पत्थर मारे गए तो आपने कहा ए अल्लाह ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ कर दे। पूरे सऊदी अरब में, सऊदी क्यों कहूँ, पूरे अरब में, पूरे अरब में ताइफ वाहिद मकाम है जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जहाँ ठंडक होती है। वाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। पूरे अरब में और कोई और मकाम ऐसा नहीं है वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठंडक होती है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक उस ज़मीन पर बहा था। तो जहाँ रसूल का लहू होगा, जहाँ रसूल का लहू बहा होगा वहाँ पर ठंडक ठंडक होगी, क्योंकि नबी के मुकद्दस लहू को सलाम करने के लिए जो हवाएं आती हैं वो गर्म नहीं आती, वो ठंडी हवाएं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो इसलिए आप रहमत लकब पाने वाले हैं। ना टलते थे हरगिज़ जुड़ बैठते थे, सुलझते ना थे जब झगड़ सदहा
बात पर जरा जरा सी बात पर जरा सी बात पर इनमें लड़ाई हो जाती थी। किन में? अहले अरब में लड़ बैठते थे। इनके जो कबीले थे वो आपस में लड़ बैठते थे। अभी जो हाजी ने पढ़ा कि ना टलते थे हरगिज़ जो अड़ बैठते थे, यानी भाई आपके पास आए आपको समझा रहे नहीं अब तो लड़ाई होगी। मुआहिदा, सुलह जोई, हिकमत, मसलहत कोशी, इस नाम की कोई चीज़ इनमें नहीं थी। जबकि मुसलमान जब तक सिला जोई, मुआहिदा, मसलहत कोशी और मज़ाकरात नहीं करता तब तक वो मुसलमान नहीं होता। बेशक बेशक, मतलब दी उसके ईमान की बात नहीं कर रहा, तो उसके ईमान का हिस्सा है। बेशक मुसलमान हमेशा बात करता है। तो ये तो चूँकि बुत परस्त थे, ये कहते थे हमारी रस्म है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं कोई तनकीद किसी पे नहीं कर रहा, लेकिन एक बाड़ी होती है, बाड़ी मेमन समझते होंगे, बाड़ी वो वाली बाड़ी नहीं, दूसरी वाली बाड़ी, बाड़ी होती है जहाँ पे पानी जमा किया जाता है, उसको कहते हैं बाड़ी का पानी। बाड़ी का पानी सही। राजस्थान के इलाके में, राजस्थान और यानी आप थोड़ा सा और आगे चल जाएँ तो मुख्तलिफ बाड़ियाँ बनी हुई हैं आला आला जात के हिंदुओं की। क्या? आला जात के हिंदुओं की, जिनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण, अच्छा, एक होते ब्राह्मण, एक होते शुद्ध ब्राह्मण। क्या होते? शुद्ध ब्राह्मण, ये इनकी जात है। अगर उस बाड़ी में से कोई दलित पानी पी ले, अगर उस बाड़ी में से कोई दलित पानी पी ले या शुद्ध पानी पी ले या कोई छोटी जात का हिंदू पानी पी ले, उसके पूरे खानदान को मार देते। अभी भी सर? अभी भी दलित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलाइट्स कौन है? ये बागी, ये नक्सलाइट्स कौन है? ये इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध एक ब्राह्मणों को भी नहीं पता होगा, एक ब्राह्मण होते, एक शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, तो वो उनको मार देते हैं। तो यहाँ पे भी चूंकि बुत परस्ती होती थी और बुत परस्ती बड़ी आला दर्जे की थी, तो अगर आप अबू जहल के कबीले के पास जाकर, क्योंकि अबू जहल बहुत बड़ा सरदार था, वहाँ जाकर उसके कुएं का पानी पी लेते और पता चलता कि ये तो बनी तगलब वाले थे या बनी तुगलब वाले थे या बनी बकर वाले थे, बनी अदी थे, बनी तमीम थे, कौन थे, अगर इन्होंने पी लिया उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि हमारी बाड़ी है। अब मैं आपको उसका पस मंजर बताऊँ। मदीने में एक कुआँ था, रोमा, रोमा, मदीने में कुआं था रोमा, उस कुएं से पानी यहूदी मुसलमानों को नहीं देते थे। सही। कि तुमने आकर यहां पर कब्जा किया है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, और अगर देंगे तो इतनी कीमत पर बेचेंगे, बहुत कीमत लगाते थे। मुसलमान बहुत परेशान थे पानी के लिए। क्या मुसलमान, सच्चे मुसलमान हमेशा पानी के लिए परेशान रहे। पानी समझा? जी जी इमाम हुसैन। पानी तो मसला है सारा, इमाम हुसैन, पानी तो मसला है सारा। पानी के लिए परेशान हुए, तो जब वो पानी के लिए परेशान हुए तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या करें, हमें पानी नहीं मिलता, ये हमें पानी देते यहूदी। तो आपने हज़रत उस्मान को बुलाया। क्या बुलाया? उस्मान को बुलाया कि उस्मान कुछ कर सकते हो? मैंने कहा रसूल, हुक्म फरमाइए। तो आपने कहा उस्मान, कुआं इनके लिए दे दो। तो यहूदी से 7 गुना कीमत ज्यादा अदा करी। कितनी? 7 गुना, 7 times ऊपर कीमत अदा करके हजरत उस्मान ने कुआं खरीदा। खरीदने के बाद वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह, और आज उसको कहते हैं बीर उस्मान। वाह, बीर उस्मान का पानी मैंने पिया है। आप मदीने मुनव्वरा से अंदरूनी सतह पर 7.5 किलोमीटर अंदर जाएं तो आपको बीर उस्मान मिल जाएगा। आप पूछने किसी भी हज़रत उस्मान का कुआं कहाँ है, उस पर अब तो अब पहले बंद किया हुआ था, बंद नहीं है,
अब मुझे पता नहीं 2 साल हो गए तो गए भी, तो वहाँ से आप पानी पिए ऐसा लगता है कि अभी आपने आपको ठंडा ठंडा पानी मंगाया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ बैठते थे, अड़ बैठते थे, और फिर उसके बाद हर एक लूट मार में था यगाना, फसादों में कटता था इनका जमाना। नहीं ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये थे आज सुलझते थे, सुलझते न थे जब झगड़ बैठते थे। आप कैसे सुलझाएंगे जब झगड़ा कर लिया है? आप उनके देखो ये झगड़ा करने की बात नहीं है, इसको हम इस तरह दुरुस्त कर लेते। नहीं नहीं नहीं, ये झगड़ा तो होकर रहेगा। इसने मुझे पत्थर मारा है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये कत्ल जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। लेवल देखिए आप किस जगह पर रसूल अल्लाह आए हैं समझाने के, किस जगह पर। और फिर फरमाया कि वो जो दो शख्स आपस में लड़ बैठते थे तो सदा कबीले बिगड़ बैठते। वाह, इसमें मुसद्दस हाली के अंदर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कह रहे कि अगर फ़र्ज कीजिए, अब मैं आपको इसको यूँ समझाता हूँ, बड़े मज़े की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश तैयार की गई माजन। उस साजिश का तरीक़ाकार ये था, दारुन नदवा में साजिश तैयार हुई थी। कहाँ हुई थी? दारुन नदवा। हाँ, दारुन नदवा अहले कुरैश की मीटिंग की जगह थी। सही, वहाँ मीटिंग होती थी। सही, वहाँ सारे सरदार बैठते थे, उतबा, वलीद, शैबा, रबिया, उमैया, अबू सुफियान, ये सारे लोग बैठे थे, अबू जहल, अबू लहाब, सारे बैठे थे। उन्होंने कहा भाई ये अब तो बहुत बढ़ गई ये बात, तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई एक काम ये करें कि हर कबीले से एक एक नौजवान मुंतखब करें। सही, कितने? हर कबीले से एक एक। 12 कबीलों का नाम है कुरैश। क्या नाम है? 12 कबीलों का नाम कुरैश है, जिसमें से एक कबीला रसूल का है, बनी हाशिम। बनी हाशिम उसको निकाल दिया। अब बनी हाशिम से वो डरते थे, तो बनी हाशिम में कौन कौन था? हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, ये सब लोग डरते थे बनी हाशिम से। उन्होंने कहा कि आप एक काम ये करें कि हर कबीले से एक एक नौजवान मुंतखब कर लें। ठीक, उन्होंने कहा उससे क्या होगा? तो अबू जहल ने कहा उससे ये होगा कि रसूल का कबीला हमसे बदला लेने से आजिज आ जाएगा। किस किस कबीले से लड़ेगा? सही, ये तजवीज़ अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने सीरतुन्नबी में लिखा है। ये तजवीज़ अबू जहल की नहीं थी, बल्कि अबू जहल के रूप में शैतान आया था वहाँ पर। अबू जहल के रूप में शैतान आया था, उसने आकर ये तजवीज़ पेश की थी कि किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला कत्ल कर दिया। ठीक है, तो वो नहीं हो सका। तो यहाँ पर उसका नक्शा खींचा जा रहा है कि जो दो शख्स आपस में लड़ बैठते थे तो सदा कबीले भी लड़ बैठते थे, यानी वो दो आदमियों की लड़ाई नहीं होती थी, कबीलों की लड़ाई बन जाती थी। मेरा पॉइंट समझे, कबीलों की लड़ाई जी। कि भाई अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला कत्ल कर देंगे तो फिर तो कबीलों की लड़ाई आपस में शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने एक तो ये किया, फिर उसके बाद किया कि बुलंद एक होता था गर्मा शरारा तो उससे भड़क उठता था मुल्क सारा। अगर एक जरा सी अफवाह फैला दी आपने, जरा सा शरारा, एक जरा सी आपने फैला दी कि आज तो अबू जहल को बनी तमीम की किसी आदमी ने थप्पड़ मारा है, बस देखिए आप क्या होगा, पूरे मक्के में आग लग जाएगी। वो तो जमाने में टायर वायर नहीं होते थे, तो टायर भी जलाते वहां खड़ोगे, तो हम लोग जलाते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते अगर होते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हालात थे अहले अरब के। जी वो बकरों तगलब की बाह लड़ाई सदी जिसमें आधी उन्होंने गवाई, कभी करिश्मा एक उनकी जहालत का।
एक औरत थी, उसका नाम था यसूस। क्या नाम था? यसूस। समझाऊंगा ना बनी बकर और तकलूफ की लड़ाई क्या थी। यसूस थी, यसूस एक बहुत, ये जो बनी बकर था, बनी बकर कबीले के एक सरदार की खाला थी। उसने भागकर शादी कर ली तकलूफ के अंदर। किसमें कर ली? तकलूफ कबीले में। बस जो फिर लड़ाई शुरू हुई है, 100 साल तक जारी रही है। 100 साल तक यसूस की शादी पर ये लड़ाई जारी रही है। एक रिवायत यह मिलती है, बाकी ये थी यसूस एक औरत थी, उसे कोई वहाँ पर जाकर अफवाह फैला दी थी, आग लगा दी थी, तब भी 100 साल तक औरत थी वो यसूस। तो यसूस की वजह से बनी बकर और तकलूफ के दरमियान आम लड़ाई रही, जो चूँकि सदियों जारी रही, सदियों से मुराद ये था कम अज़ कम 100 साल ये लड़ाई जारी रही। और फिर ये था कि कबीलों की कर दी थी जिसने सफाई, इतनी ख़तरनाक लड़ाई थी कि दोनों कबीले तकरीबन मिट चुके थे, कोई जवान उसमें बचा नहीं था। दोनों कबीले मिट चुके थे, कोई जवान उसमें बचा ही नहीं था कि जो आता आगे बढ़ता और वो फौज कैसे बनता। फिर उसके बाद थी हर एक सू थी, थी एक आग हर सू अरब में लगाई, यानी इधर दो की लड़ाई हुई, उधर अहले अरब में ये बात फैली, हर कबीला जो, जो एक कबीला जो तगलुब के साथ था, एक कबीला जो बकर के साथ था, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ देते हैं, हम तुम्हारे साथ देते हैं। पूरे अरब में आग लग गई, पूरे अरब में आग लगी। 100 साल, कितने? 100 साल, 100 ईयर्स ये आग लगी रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी, ना झगड़ा कोई मुल्क और दौलत का था। वो मैंने बताया ना, मुल्क और दौलत का झगड़ा नहीं था कि हमें ये जगह पकड़नी है, हमें दौलत कब्ज़ा करनी है, हमें इस हिस्से पे कब्ज़ा करना है, ये हमारा है, वो हमारा है। बस करिश्मा, करिश्मा था उनकी जहालत का, यानी करिश्मा जहालत कहते। यसूस से शादी करनी थी, जहालत। यसूस से शादी करनी थी, आज भी होता है, आज भी होता है, आज हमारे पाकिस्तान में होता है। ऐसे ही पाकिस्तान में कोई आखिला, कोई बालिगा लड़की शादी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। अब पूछा जाएगा, अभी आखिला बालिगा अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वली की रजामंदी ले। वली को भी चाहिए, वली यानी बाप, उसको भी चाहिए कि अपनी बेटी की पसंद मालूम करे। आप क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े हैं? माशाल्लाह, आसमान से रिश्ता उतरा था हज़रत फातिमा का। क्या? आसमान से फरिश्ता, आसमान से रिश्ता उतरा था। ये कहा गया था कि हज़रत फातिमा तो ज़ारा अबिया व अलिया अफ़ज़लुस्सलाम की शादी हज़रत अली से कर दी जाए। जब उतरा, आपने हज़रत अली से पूछा करोगे? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जो आपका हुक्म। कहा मैं ज़रा फातिमा से पूछ के आ जाऊँ। मैं ज़रा फातिमा से पूछ के आ जाऊँ। कौन कह रहे हैं? मुस्तफ़ा, जिनको पूछने की ज़रूरत नहीं, हुक्म देने की ज़रूरत है। बेशक बेशक, जिनको पूछने की नहीं, हुक्म देने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं मैं ज़रा फातिमा से पूछ के आ जाऊँ, मैं ज़रा फातिमा से पूछ के आ जाऊँ। तो ऐ बापों, तुम भी अपनी बेटियों से ज़रा पूछ लिया करो, जो रिश्ता कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उनका घर है, उनको बसना है, उनको जाना है, या अपनी इज्जत रखनी है दिल में कि शमीम साहब कैसी लगी हमारी बेटी आपको? अच्छी लगी? अच्छी लगी, हमने तरबियत की है। शमीम साहब कह रहे भाई बहुत अच्छी आपकी बेटी, कोई बेटी से भी पूछ ले शमीम साहब के घर में खुश है कि नहीं है। अपनी इज्जत के लिए शादियां कराते हैं, अपने मर्तबे के लिए शादियां कराते हैं, अपना नाम हो, अपनी तरबियत हो कि हमने शादी कराई है। अरे कोई शमीम साहब से जाकर पूछे कि जो बहू आप लेकर आए हैं उस बहू का दिल क्या कहता है। वो और वो बहू भी ऐसी होती है, अपने बाप की खातिर, अपने घर की खातिर जिंदगी के कई साल बिता देती है एक ऐसे आदमी के साथ जिससे उसका ना जहन मिलता है, ना दिमाग मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो ये रसूल थे जिन्होंने जाके हज़रत फातिमा से पूछा, मैं अली से तुम्हारा रिश्ता कर दूँ? मेरे नबी जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे नबी जैसा तो कोई है ही नहीं। और फिर उसके बाद बताना आपको, बस बेटा हो गया, मैं बताना मकसद ये था, आज दुआ शायर पढ़े। हाँ सैयदा, इसको अगर हादिया खाली कहो तो नाराज़ हो जाती है, सैयदा हादिया हाशमी ने आज दुआ शायर पढ़े। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिए नबी, ये जो मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम है, मुसद्दस हादी, ये हमें सिखाने के लिए, हमें इसे सीखना है।
और सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपको देखिए अभी अशार में कितनी मिसालें अपने मुल्क की बता दी जो आज तक चल रहा है। तो मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर आपका तो मैं रोज़ ही शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अभी थोड़ी देर में फिर वापस आएंगे बच्चों के साथ, लेकिन आज मैं एक और आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एक और हस्ती का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 1876 में 9 नवंबर के दिन पैदा हुई, 1876 9 नवंबर और आज 21 अप्रैल 1930 को वो विशाल पा गए। अल्लामा इकबाल आपको मेरा सलाम। अजीम हस्ती, एक ऐसी अजीम हस्ती, हमारे बहुत से चैनल्स तो याद ही नहीं रखे होंगे ऐसी। सर उनका कुछ कलाम अगर सुना देता हूँ। अल्लामा इकबाल का कलाम साकीनामा सुनाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, लेकिन मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाऊंगा मैं आपको साकीनामा, लेकिन बल्कि मैं साकीनामा भी निकलवाता हूँ पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। सर ये भी बताइए साकी कहा किनको क्या है? हाँ ये वासिल साहब, वासिल शाहिद साहब पूछ रहे हैं साकी कहा किसको किया है। साकी तो एक ही है हमारे यहाँ, साकी कौसर शाफई महशर, तो साकी कहा गया रसूलुल्लाह को और उनको कहकर मुखातिब किया गया, उठा साकिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शाबाश से। तो साकी नामा भी पेश करूंगा, लेकिन हम बचपन में पढ़ते थे एक बहुत खूबसूरत दुआ, हादिया के साथ मिलकर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इस दुआ पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। तुम्हें याद है भाई, मैं तो तुम्हारी तरह अच्छे सुर रखता नहीं हूँ। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हाजिर का माइक ले। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह में मेरे चमकने से उजाला हो जाए। आगे पढ़ो। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल ने एक और नज़्म लिखी थी, टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई पहुंचूंगा किस तरह आशिया तक, सुन के बुलबुल की आह जारी जुगनू कोई पासी से बोला। ये इसमें मोहब्बत करने की बात है, जुगनू कोई पासी से बोला, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा, मैं राह में रोशनी करूंगा। और आखिरी शेर है, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों। तो ये बच्चों की नज़म थी जो उन्होंने सिखाया बच्चों को। अल्लामा इकबाल आप एक सच्चे आशिक रसूल हैं बेशक, अल्लामा इकबाल आप मेरी जान हैं वाह, अल्लामा इकबाल आपने मुझको पढ़ना सिखाया है वाह, अल्लामा इकबाल आपने मुझको बोलना सिखाया है बेशक, अल्लामा इकबाल मेरी पहली तकरीर पाकिस्तान नेशनल सेंटर में जो मैंने 7 साल की उम्र में की थी उसमें मेरे सारे अशआर आप ही के थे वाह, बहुत खूब। अल्लामा इकबाल आपकी वजह से आज आमिर लियाकत हुसैन खड़ा हुआ है, और जिस जगह पे खड़ा हुआ है वो जगह भी आपका देखा हुआ ख्वाब था। अल्लामा इकबाल आप मुफक्किर पाकिस्तान हैं, अल्लामा इकबाल आप पाकिस्तान हैं, अल्लामा इकबाल आप हम सब की जान हैं। बेशक, आपका आज यौम-ए-विसाल है,
आप तशरीफ ले गए 1938 में, आप पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते हुए देखना चाहते थे लेकिन वक्त ने वफा ना की और आप चले गए। कायद आज़म को आपकी इंतकाल का बड़ा मलाल हुआ और बड़ा दुख हुआ। हालांकि उस ज़माने में कायद आज़म के मुकाबले पर सर शफी लीग बनी थी और सर शफी लीग के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा इकबाल थे और अल्लामा इकबाल सेक्रेटरी जनरल थे, कायद आज़म के ख़िलाफ़ वो पार्टी बनी थी। लेकिन एक्चुअली अल्लामा इकबाल 1906 में 25 दिसंबर को कायद आज़म पैदा हुए और 25 दिसंबर 1906 को अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वहाँ से आपने बारेट लॉ किया था, बहुत बड़ी हस्ती थे, बड़े खूबसूरत आदमी थे और शायरी करते थे। तो क्या शायरी करते थे? अल्लामा इकबाल का जो कलाम है बाग दरा, बाद जबरील या ज़रब करीम, जितनी किताबें उर्दू में, वो बहुत कम है। अल्लामा इकबाल का 80% कलाम फारसी के अंदर मौजूद है। फारसी में आपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इंग्लिश में जो रिकंस्ट्रक्शन, मैं बता रहा हूँ फारसी में 80% कलाम, वो मैंने सुनी है 80% कलाम है फारसी में। और उसमें उन्होंने ज़्यादातर इश्क रसूल की बात की, क्योंकि अल्लामा इकबाल हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से बहुत मुतासर थे, बेनतहा मुतासर थे। और आपने हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बहुत सारी बातें जिन जो के हकायात रूमी में आती हैं उनको अशार का रूप दिया, अशार की शक्ल दी। तो अल्लामा इकबाल, अभी चूँकि वासिफ शाह साहब ने मुझसे फरमाइश भी की है और कहा भी है, मैं साकीनामा भी यहाँ पर पेश करूँगा एक वक्फ़े के बाद। लेकिन पहले एक वक्फ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आया अरश से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है।